हरियाणा पंजाब सीमा पर नशा तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा डीजीपी बीएस संधु ने नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए नारकोटिक सेल का गठन किया है। ये जानकारी फतेहाबाद के एसपी दीपक सहारा ने दी। इस दौरान एसपी ने गांव महरमड़ा में लोगों को नशे के प्रति जागरूक भी किया। एसपी ने नशा तस्करों की सूचना देने वाले को उचित इनाम देने का ऐलान भी किया है और ग्रामीणों से सहयोग भी मांगा है। बता दें, पंजाब हरियाणा सीमा के बॉर्डर के गाँव में धड़ल्ले से नशा तस्करी होती है। नशे के इसी दलदल में हरियाणा पंजाब के सैकड़ों युवा अपनी जिंदगी तबाह कर चुके हैं। इसी के चलते नशे पर रोक लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं ताकि नशे की तरफ बढ़ रहे युवाओं के कदमों को रोका जा सके। समाज, हमारी नौजवान पीढ़ी नशे के दंश से, नशे के प्रकोप से बची रहे, इससे दूर रहे और एक साफ स्वस्थ जीवन जिए। इसके अंदर जागरूकता सबसे पहले जरूरी है कि लोग नशे से दूर रहें। बाकी जहाँ तक धरपकड़ की बात है, पुलिस उसके लिए रेगुलर गश्त, अलग से नाकाबंदी और एक नारकोटिक सेल का अलग से गठन किया गया है, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी नशा बेचने वाला हमारे राज्य में, हमारे देश में किसी प्रकार का गलत कार्य ना कर सके, हमारी नौजवान पीढ़ी को ना बिगाड़ सके। इसके लिए एक फतेहाबाद में डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया गया है अभी हाल ही में, और वहाँ पर लोगों को यही जागृत किया जा रहा है कि अगर किसी को नशे की लत है तो वहाँ पर आकर उसका इलाज कराए।